बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ने पाकिस्तान नेवी के हेडक्वार्टर का अचानक दौरा किया है। सीपेक और ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा को मजबूत करने के आदेश दिए गए हैं। देखिए बड़ी खबर, बड़ी हलचल हो रही है पाकिस्तान में। सीपेक और ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा पुख्ता हो, ये इमरान ने कहा है। नेवी हेडक्वार्टर का दौरा करने पहुंचे हैं और दुश्मनों से निपटने के लिए पाकिस्तान नेवी तैयार रहे, ये इमरान खान ने कहा है। इमरान के साथ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री परवेज खटक भी नेवी हेडक्वार्टर गए। पाकिस्तान को सीपेक पर भारत के हमले का डर सता रहा है। ये तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान को सीपेक पर, सीपेक क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सीपेक के जरिए चाइना एक हिसाब से पाकिस्तान पर कब्जा करने की फिराक में है। पाकिस्तान को अरबों डॉलर का कर्ज दिया है, एक बहुत बड़ी परियोजना है चीन की ओबोर, और उसी के तहत पाकिस्तान में लगातार अपना निवेश बढ़ा रहा है चाइना, और अब उसी सीपेक पर हमले का डर सता रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि भारत एशिया में उन देशों में, बहुत चुनिंदा देशों में शामिल है जो चाइना के ओबोर का विरोध करता है। पाकिस्तान के अब प्रधानमंत्री के इस तरह के नेवी हेडक्वार्टर के दौरे को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय और सुमित चौधरी हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। सुमित, पहले जल्दी से जानकारी दीजिए, इस तरह का नेवी हेडक्वार्टर का यहाँ पर दौरा करना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का क्या बता रहा है? देखिए, ये आप मान के चलिए गौरव, इसके पीछे की दो सबसे बड़ी वजह ये है कि पहला, आपको याद होगा कि 29 नवंबर को इमरान खान ने आईएसआई के हेडक्वार्टर्स में भी विजिट किया था। उसके बाद उनको हिदायत दी गई थी क्योंकि चीन बहुत ज़्यादा नाखुश है पाकिस्तान से, ना सिर्फ सीपेक को लेकर बल्कि वहाँ के काम करने वाली लेबर्स को लेकर और चीनी अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर। तो ये लगातार जो सिलसिलेवार तरीके से वो मीटिंगें कर रहे हैं, उसके पीछे का मकसद साफ है कि उनको सीपेक को ना सिर्फ और सुरक्षा ज्यादा प्रोवाइड करनी है, बल्कि पाकिस्तान को यह भी डर है कि इन एसर्ट्स के ऊपर, उनके जो सीपेक के प्रोजेक्ट्स हैं, इनके ऊपर किसी तरीके का कोई अटैक ना हो जाए, उसकी लेबर को, चाहे चीनी लेबर्स को भी सुरक्षा देना। तो ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको लेकर पाकिस्तान में बौखलाहट, और यही वजह है कि इमरान खान लगातार हर अधिकारियों से बात कर रहे हैं, यहां तक कि आईएसआई का जो सीनियर अधिकारी है वो भी लगातार इनकी सुरक्षा में सारे पुख्ता कदम उठा रहे हैं। बिल्कुल सुमित, आप रहिए मेरे साथ, अभिषेक उपाध्याय के पास चलते हैं। अभिषेक, तो ये हलचल क्या बता रही है, इमरान खान का ये डर क्या बता रहा है? कभी आईएसआई के साथ मीटिंग, कभी नेवी हेडक्वार्टर का दौरा, क्या पाकिस्तान को डर है कि कहीं पीओके पर भारत फिर पीओके छीन ना ले भारत पाकिस्तान से? देखिए गौरव, भारत का एक एंगल तो सामने आ रहा है, और ये एंगल वहां का जो वहाँ की पाकिस्तान की सेना है वो खुद इस बात का जिक्र कर रही है। पाकिस्तान सेना के हवाले से ऑन रिकॉर्ड कहा गया है कि भारत ने बलूचिस्तान के इलाके में 700 की संख्या में एक मिलिशिया फोर्स बनाई है जो कि ग्वादर पोर्ट को टारगेट कर रही है, और सबसे बड़ा नुकसान चीन को हो रहा है। वो ये भी कहते हैं कि भारत ने करीब $50 मिलियन का फंड रेज किया है इसको टारगेट करने के लिए, तो वो भारत का नाम ले रहे हैं। लेकिन कहानी ये है कि असली चिंता चीन को है, जो सुमित कह रहे थे वो सच्चाई है। चीन को चिंता है कि वहां पर अटैक हो रहे हैं, और अटैक कौन कर रहा है? अटैक सिंध प्रांत से, उनकी सिंध की, पाकिस्तान के अंदर का जो अलगाववादी तबका है वो सिंध में कर रहा है, वो बलूचिस्तान में तबका कर रहा है, क्योंकि सीपेक के जरिए उनकी जमीनें छीनी जा रही है, उनके संसाधन छीने जा रहे हैं, वहां के निवासियों के जायज हक छीने जा रहे हैं, तो वहां से अलगाव और बगावत हो रही है, और चीन को इस बात को लेकर चीन बेहद ही परेशान है, और इसीलिए इमरान खान बेहद ही चिंतित है। और यही जो आप बलूचिस्तान का जिक्र कर रहे थे, अभी आप बता रहे थे कि किस तरह का डर है पाकिस्तान में, एक और बड़ी खबर है। अभिषेक और सुमित, मैं आता हूं आप दोनों के पास, ये बड़ी खबर बताता हूं दर्शकों को। सिंध प्रांत में पाकिस्तान से आजाद होने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। सिंध चाहता है कि वो पाकिस्तान से आजाद हो जाए। एमक्यूएम नेता अल्ताफ हुसैन का लंदन में ऐलान, पाकिस्तानी फौज और सरकार से मुहाजिर और सिंधी मिलकर लड़ेंगे, पाकिस्तान से अलग होकर रहेगा सिंध, ये कहना है अल्ताफ हुसैन का। अभिषेक, ये देखिए, न केवल बलूचिस्तान बल्कि सिंध में भी अब इमरान सरकार या कहें पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठ रही है। देखिए सिंध में खास तौर पर बाकायदा एक सिंध आर्मी का गठन हो चुका है, जैसे बलोच आर्मी वैसे सिंध आर्मी है, और वो अटैक कर रही है। जो कराची स्टॉक एक्सचेंज में अटैक हुआ है, और उस कराची स्टॉक एक्सचेंज में चाइना का जो सीपेक कॉरिडोर है, पूरा जो ये प्रोजेक्ट है उसका भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। तो बाकायदा सिंध में अटैक हो रहे हैं, जो चीन से जुड़े हुए ठिकाने हैं, जहां जहां चीन का पैसा लगा है वहां अटैक हो रहे हैं। चीन में, सिंध में अलगाववाद की आवाजें लगातार बुलंद हो रही हैं, और उसकी वजह वही है जो मुहाजिर के साथ में किया है पाकिस्तान ने, जो अहमदिया के साथ में किया है पाकिस्तान ने, अपने ही नागरिकों पर अत्याचार कर रहा है, तो वो अलगाववाद की आवाज बुलंद हो रही है, और इसीलिए ये हमले और भी तेज हो रहे हैं।
मैं एक सवाल यहां पर जोड़ूंगा आज सीडीएस बिपिन रावत के स्टेटमेंट से। सुमित, सीडीएस बिपिन रावत कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान दोनों को कड़ा संदेश है जो आज एक युद्धपोत कमीशन किया गया नेवी में। वो दूसरी तरफ इमरान खान पहुंच जाते हैं वहां पर नेवी हेडक्वार्टर का वहां पर दौरा करने, तो भारत की बढ़ती ताकत देखकर चीन और पाकिस्तान में खौफ तो है, वो साफ दिख रहा है। देखिए, खौफ से ज़्यादा बौखलाहट दिख रही है। पिछले एक साल में गौरव, जब से धारा 370 हटाई गई 2019 से, तब से पाकिस्तान हर जगह कोशिश कर ली, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हो, अपने डिफेंस अटैचेस को बुलाना। अभी 11 तारीख को अपने डिफेंस अटैचेस को बुलाकर ये बताया गया कि हमको इस प्रोपोगेंडा को और फैलाना है, लगातार LOC पर और डिस्टर्बेंस के ऊपर भारत को कटघरे में खड़ा करना। और दूसरा चीन के ऊपर पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि अगर चीन कुछ करता है तो फिर पाकिस्तान प्ले ऑफ करेगा, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं दोनों की तरफ से ये विफलता हाथ लगी है। बिल्कुल ठीक है सुमित, बहुत शुक्रिया आपका। अभिषेक, आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए कुछ बड़ी खबरें जो बता रही कि पाकिस्तान में किस तरह से खलबली मची हुई है। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।